अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिद्धवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे रेड वेलवेट कपकेक्स, ठीक है, क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग के साथ। और इसके बाद हम आपको करीड चिकन बनाना सिखाएंगे जिसमें हम डिपिट का सॉस यूज़ करेंगे। उसके बाद हम मलका फूड्स के जो ये रेसिपी मिक्सेस हैं इससे पंजाबी तड़का दाल बनाना सिखाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल दीज लवली मसालाज, जो मलका फूड्स के मसाले हैं। यहाँ आपको अदरक लहसुन नमक वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है अभी स्क्रीन पे, सब कुछ जाएगा चिकन में दाल वगैरह में, ठीक है। ओके, सबसे पहले वी हैव टू डू बेकिंग, उसको ठंडा करना है, उसको आइस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। रेड वेलवेट कपकेक्स बहुत ही आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि रेड कलर सही तरह आता नहीं है, इसलिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोको पाउडर डाल देते हैं, तो कोको पाउडर की मिकदार कम रखिएगा। और जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब कुछ आपने बस डाल देना है। एक कप दूध है जिसको हमें बटर मिल्क करना है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ लेमन है। और आपने ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये चंद कतरे आपने लेमन जूस के डाल देने हैं इन अ बोल ऑफ मिल्क। ये एक कप दूध है। और मेरे पास यहाँ वेनिला एसेंस है, लाल रंग है, ये स्प्रिंकल्स वगैरह तो बाद में ऊपर जाएंगे। बेकिंग सोडा है और नमक, मैंने मलका फूड्स का थोड़ा सा नमक निकाल के यहाँ रख दिया है। मैदा है, पिसी हुई चीनी है, ये बटर मिल्क बनेगा। इसमें आप कहेंगे क्या है, खाली है? खाली नहीं है, इसमें सिरका है, ठीक है। रेड वेलवेट कपकेक्स में सिरका और बेकिंग सोडा का एक फ्रॉथ सा हम बनाते हैं, पूरा बैटर रेडी करते हैं, फिर एंड में हम बेकिंग सोडा सिरके में डाल देते हैं और थोड़ा सा जब वो बबल हो जाता है तब बैटर में डाल के फौरन बेक करने रख देते हैं। अंडे जाएंगे, सब कुछ जाएगा। सो ढाई कप मैदा है, छान के मैंने यहाँ रख दिया है। डेढ़ कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, डेढ़ कप तेल है जो कि मैं इसमें भरूंगी अभी, दो अदद अंडे हैं, एक कप दूध है जिसमें हमने चंद कतरे लेमन के यानी नींबू का रस डाल के उसको बटर मिल्क बना दिया है। आप सिरका भी डाल सकते हैं लेकिन आई प्रिफर यूजिंग लेमन। वेनिला एसेंस है, एक चमचा भर के कोको पाउडर है, एक टीस्पून हमने मलका फूड्स का यहाँ सॉल्ट रखा हुआ है, रिफाइंड भी है। और आप देखिए ये पिंक हिमालयन सॉल्ट भी है, यू कैन यूज़ दिस एज वेल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी फॉर आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स उनके फ्राइड अनियंस भी हैं एंड ऑल दीज लवली मसालास, तंदूरी मसाला है, पेशावरी कढ़ाई गोश्त है, दिल्ली निहारी है, चिकन करी है, बिरयानी एंड बिहारी कबाब। सो यू कैन यूज़ ऑल दीज एज वेल व्हेन यू आर मेकिंग एनी फूड। और जल्दी जल्दी कुछ भी आपने तैयार करना हो तो पीछे इंग्लिश में रेसिपी भी दी हुई है, जो लिखा है वैसे ही आज हम पंजाबी तड़का दाल आपको बनाना सिखाएंगे। सो लेट मी नाउ पुट एवरीथिंग इन माय बोल और उसको मैं बेक करने रख दूँ। हमेशा अवन को प्रीहीट करते हैं, यानी कि अवन को खाली ऑन कर देते हैं, उसमें कुछ रखते नहीं हैं। टिन्स रेडी करके रखते हैं, ये पेपर केसेस उसमें डाल देते हैं। ये सारी तैयारी पहले करिएगा, ठीक है, बाद में नहीं। फिर यहाँ जो आपको अज्जा नज़र आ रहे हैं ये आइसिंग के हैं, ये आइसिंग शुगर है, क्रीम चीज़ है, मक्खन है, स्प्रिंकल्स वगैरह ऊपर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, रेड वेलवेट कपकेक्स बना के एक कपकेक को क्रश कर देते हैं, पूरा क्रम्बल कर देते हैं बेकिंग के बाद, ठंडा हो उसके बाद, और फिर फ्रॉस्टिंग के ऊपर वो क्रम्स डाल देते हैं रेड वेलवेट कपकेक के ही, ठीक है। सो नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर। ये है अंडे, दो अदद, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, मिक्स करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम मैदे में कोको पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा ही नमक चाहिए, प्लीज़ ज़्यादा नहीं, ठीक है। नमक चला गया मलका फूड्स का, ये यहाँ कर देती हूँ। अब मुझे इसमें डालना है वेनिला एसेंस, अच्छा जी, कपकेक्स, बहुत इकसाम के कपकेक्स मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। वैसे मैं पहले सोच रही थी कि आज कुछ मुख्तलिफ सा सवाल होना चाहिए। आज का सवाल हमने ये रखना था कि आज वेनसडे है कि मंडे है, बिकॉज मुझे लग रहा है आज मंडे है, वैसे लोग कह रहे हैं वेनसडे है, क्या है आज, मंडे है वेनसडे है,
मजाक कर रही हूँ, ये सवाल नहीं है. सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कपकेक्स के नाम, ठीक है. मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. आप जीत सकते हैं इनेक्स की तरफ से मीट मिंस. अगर आपको बोटियों से कीमा निकालना है ना अपने किचन में, तो ये आप जीत सकते हैं हमारे शो के थ्रू. ओके, सो मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और इसमें मैंने कोको पाउडर डाल दिया है, और इसमें मैंने मैदा डाल दिया है, ठीक है. अच्छा, ये हो गया, राइट. एसेंस में यहाँ रख दूँ. अब हमें इसमें तेल डालना है. तेल कितना है? 1.5 कप. ये तेल से बनते हैं कपकेक्स, ये याद रखिएगा प्लीज. इसमें हम मक्खन नहीं डालते हैं. मैदा, कोको पाउडर और मलका फूड्स का नमक, रिफाइंड सॉल्ट, ये चला गया. अब हम क्या डालेंगे इसमें, देखें. ये सिरका जो है ना वो जाएगा, सिरका और बेकिंग सोडा, उसका कॉम्बिनेशन. ये देखें, ये सिरका है, ये बेकिंग सोडा है. ये हुआ ना फ्रॉथ, समझ आ गया क्या कह रही थी मैं, ऐसे बबल अप हो जाएगा. ये हम डालेंगे. हाथों पे मेरे फौरन ही लग जाता है रंग. इसको हम जरा पहले मिक्स कर देते हैं, फिर देखेंगे इफ वी नीड मोर कलर वी विल ऐड, अदरवाइज नहीं. बहुत दफा रेड वेलवेट कपकेक्स में ये प्रॉब्लम आता है कि बहुत ज्यादा रेड रंग उसमें लगता नहीं है, लेकिन इसलिए कि आप लोग कोको पाउडर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं. थोड़ा सा और डालेंगे. अभी ये जो हमने मिक्स किया था, बेकिंग सोडा और सिरका, ये भी चला जाएगा. फिर इसमें हम ये बटर मिल्क डालेंगे. ये देखें, दूध जिसमें हमने लेमन जूस डाला था, और एक दफ़ा इसको चाहें तो और थोड़ा सा रंग डाल सकते हैं. अच्छा जी, अब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है. इसको मैं निकाल के कपकेक के केसेस में अवन में रख दूंगी, बिकॉज आई कांट लीव इट हियर. आएंगे, फिर हम सफाई करेंगे, फिर हम आइसिंग बनाएंगे, और फिर इसको ठंडा जब हो जाएगा तब पाइप कर देंगे आइसिंग इसके ऊपर. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. और अगर आपने जीतना है एनिक्स की तरफ से ये मिंसर, तो जल्दी से 888 पे मुझे बताएंगे आप कपकेक के रेसिपीज़ के नाम. कितने सारे कपकेक्स मैं बनाना सिखा चुकी हूँ फूड डायरीज़ में, दूसरे शोज़ में. 2-3 कपकेक के रेसिपीज़ के नाम लिख के मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. एसएमएस करिएगा 888 पे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. मैं इनको अब अवन में रखने जा रही हूँ. मैंने इसको भर दिया है, 2 डज़न बन गए, ठीक है. डार्क कलर चाहिए, और भी आप रंग डाल सकते हैं, लेकिन दिस इज मोर देन इनफ. हाथ धो लेते हैं, फिर ये बोल भी यहाँ रख देते हैं, क्लियर अप कर देते हैं. अब हम फ्रॉस्टिंग बनाएंगे. फ्रॉस्टिंग में क्या है, सिर्फ वेनिला एसेंस जाएगा, क्रीम चीज़, मक्खन जाएगा, और आइसिंग शुगर, और ऊपर डालने के लिए स्प्रिंकल्स वगैरह हैं वो. चलिए रीकैप भी कर लूँ. सारी चीज़ें मिक्स करनी है रेड वेलवेट कपकेक्स की.
ढाई कप मैदा था, डेढ़ कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, डेढ़ कप तेल था, एक कप दूध जिसमें हमने चंद कतरे लेमन जूस के डाले थे लेकिन पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ था, दो अदद अंडे थे, एक टीस्पून वेनिला एसेंस था, एक टेबलस्पून कोको पाउडर था, एक टीस्पून मैंने मलका फूड्स का रिफाइंड सॉल्ट डाला था, एक टीस्पून बेकिंग सोडा और एक टीस्पून ही मैंने इसमें सफ़ेद सिरका डाला था। एंड में बिल्कुल सिरका और सोडा मिक्स करके डालिएगा और रेड फूड कलर काफ़ी सारा जाता है, डार्क वाला मेरा पास है वो थोड़े कतरे ही जाते हैं, वरना आप 2 ounces की जो बॉटल आती है वो डालिएगा। अब इसमें हम आधा कप मक्खन, 2 cup आइसिंग शुगर और 8 ounces क्रीम चीज़ के अलावा वेनिला एसेंस डालेंगे और हर चीज़ हम करते हैं अभी बीट फॉर आर आइसिंग। अच्छा, मक्खन बहुत ज़्यादा सख्त है बिकॉज मैंने फ्रिज में से निकाला है, तो इसको ज़रा थोड़ा हम ठीक है, इसको ज़रा हम माइक्रो कर देते हैं मक्खन को ताकि ज़रा जल्दी से पिघल जाए और मैं उसको बीट कर सकूँ। आलिया है सियालकोट से, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या जानना चाहती? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच जी, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ, जानना चाहती आपको इसका जवाब दूँ जी। स्ट्रॉबेरी मनीला कपकेक, मनीला कपकेक, मैंगो केक और पीनट केक और कोकोनट केक। ओके। और चॉकलेट, डार्क चॉकलेट केक। ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 8 ounces क्रीम चीज़ है, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, चंद कतरे हम वेनिला एसेंस के डालेंगे और बीट करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 2.5 cup आइसिंग शुगर। मेक श्योर आइसिंग शुगर में लम्स ना हो, मैं छान के लेके आई थी बिकॉज फिर लम्स फंस जाते हैं नॉजल में पाइपिंग के वक्त, ठीक है, साइडों से हमेशा इस तरह करते हैं ताकि आइसिंग शुगर अंदर रहे पूरी। इसमें प्लीज दूध वगैरह कुछ डाल के पतला नहीं कर दीजिएगा वरना ये को आप पाइप नहीं कर पाओगे। फिर ये मैंने पता है टेस्ट क्यों किया, बाज वक्त आइसिंग शुगर जो होती है ना उसमें, हालांकि आइसिंग शुगर बिल्कुल फाइन शुगर है जिसमें कॉर्नफ्लावर भी होता है, कभी कभार वो आप बीट भी करते हो फिर भी मुंह में आइसिंग में वो चीनी चीनी आती है, तो इसलिए इसको छान लिया करें, अच्छी क्वालिटी की आइसिंग शुगर खरीद लिया करें मार्केट में से और देखें ये इस तरह का स्मूथ फ्रॉस्टिंग होना चाहिए और इसको इसका शेप भी ऐसे ठहरे, घिरे ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ये ठंडा हो जाएगा, फिर जब कपकेक्स ओवन में से निकलेंगे बेक होके उनको निकालेंगे, जाली पे ठंडा करेंगे आधा घंटा, फिर इसको आप फ्रॉस्ट करिएगा, ठीक है, अभी हम नहीं फ्रॉस्ट करेंगे वरना फिर सब कुछ गर्म गर्म कपकेक्स पे तो बह जाएगा। हो गया, सबको समझ आ गई। अच्छा जी, आज हम अपने शो पे यूज़ कर रहे हैं मलका फूड्स और मलका फूड्स का ये है कि कुछ नया पकाओ, इनका थीम है, टैगलाइन है, MSG फ्री है, ग्लूटन फ्री है और इनके जो नए मसाले हैं लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार, गोश्त, पेशावरी कढ़ाई और पंजाबी तड़का दाल, ये बहुत ही मशहूर हैं, आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा, इंतहाई मज़ेदार हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। इट्स अ ग्लोबल फूड कंपनी मलका फूड्स और आम खानों से निकलकर आप भी कुछ नया पकाएं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर रेसिपी ऑफ करी चिकन। अब उसमें मुझे क्या करना है कि करी चिकन, ठीक है, करी चिकन में क्या क्या चीज़ें हैं, एक प्याज है जो चॉप की हुई है जिसको मुझे पीस लेना है और मज़ीद एक प्याज है स्लाइस की हुई, चिकन है 1 से 1.5 kilo और मैं इसमें सारे मसाले जो डालने जाऊँगी वो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें है लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, ये सब कुछ है मलका फूड्स का और कसूरी मेथी भी है, रिफाइंड सॉल्ट भी है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, ये सब कुछ जाएगा। अब किस तरह हम इसको बनाएंगे, हम पहले ना आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द ऑयल, थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं और एक स्लाइस की हुई जो प्याज है उसको हम
सॉटे कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ब्राउन हो जाएगी, उस पर हम चिकन डालेंगे, अदरक लहसुन मलका फूड्स का डाल के खूब अच्छी तरह भूनेंगे, सारे मसाले जाएंगे इसमें। एंड में हम डालेंगे इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर। ये कोकोनट मिल्क का एक सैशे ले लें, आधा सैशे ले लें, उसमें आप पानी डाल के उसको घोल के डालिएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल दीजिएगा। लेमन जूस जाएगा और तेज़पत्ता है, यहाँ गरम मसाले में जो भी चीज़ें हैं, तेज़पत्ता यानी बे लीफ है, दालचीनी के स्टिक्स हैं, छोटी इलायची है और लौंग है। सौंफ इसमें जाएगा, एनी सीड, ये देखें सौंफ। ठीक है, शेफ कुकवेयर में हम सारे खाने तैयार करते हैं अपने शो पे, और सारी बर्तन जो हम यूज़ करते हैं, पॉट्स एंड पैन्स, इज आर ऑल फ्रॉम शेफ कुकवेयर। इट वाज पाकिस्तान फर्स्ट कंपनी प्रेशर कुकर बनाने वाले, और जो है ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। फूड ग्रेड मटेरियल है ये, नॉनस्टिक, जो नॉनस्टिक वेयर इनका है। यहाँ मलका फूड्स का फ्राइड अनियन भी था, कोई बात नहीं, उसको फिर मैं तड़के में ऊपर डाल दूंगी दाल में। जब तक ये हो रहा है इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बिकॉज ये अच्छा सा ठंडा होगा तो ये पाइप करने में आसानी होगी। ठीक है, फ्रॉस्टिंग को बेक हो रहे हैं हमारे कपकेक्स। आपको पता है ना, जब भी मैं कपकेक्स बेक करती हूँ कभी भी पूरे पूरे नहीं भरती हूँ, तीन चौथाई ही भरिएगा, जगह रखिएगा उसको राइज होने में। और जब तक प्याज लाल हो रही है ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से मीट मिन्सर यानी गोश्त की बोटियों से कीमा बनाना है घर में, तो जल्दी से मुझे बताइए 3 से 4 रेसिपीज़ के नाम, कपकेक की रेसिपीज़ के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। अच्छा जी, उसी पैन में जिसमें हमने एक प्याज स्लाइस में कटी हुई फ्राई कर दी थी, उसको मैंने यहाँ ग्राइंडर में निकाल दिया है, और ये दूसरी प्याज इसमें मैं डाल देती हूँ ताकि ये हो जाए यहाँ सॉटे। तब तक हम ये प्याज जो है जिसको मैंने फ्राई की थी उसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे मलका फूड्स का, बेहतरीन क्वालिटी है, आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा, MSG फ्री, ग्लूटेन फ्री मसाले हैं, और लाल मिर्चों का पाउडर। इसको हम पीस लेंगे साथ। ठीक है जी, इसमें अब हम डालेंगे मलका फूड्स का ही अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और इसको हमने भूनना है अच्छी तरह, और इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। कपकेक्स याद दिलाइएगा मुझे निकालने हैं। चिकन बोनलेस कर लें, बोन्स वाला कर लें, व्हाटएवर, इट्स अ नाइस करी चिकन रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा। मलका फूड्स के सारे मसाले हम इसमें डाल चुके हैं, अभी भी इसमें आप डालेंगे, देखिएगा क्या क्या जाएगा इसमें। अच्छा, साबुत गरम मसाला और तेज़पत्ता चला गया,
फिर हम इसमें डालेंगे सौंफ यानी एनी सीड्स, ठीक है, नलका फूड्स का रिफाइंड सॉल्ट, और पानी के साथ मिक्स करके ये जो कोकोनट मिल्क पाउडर है ये बाद में जाएगा, अभी नहीं। इसके अलावा दूसरे मसाले भी हैं जो अभी मुझे डालने हैं। अच्छी तरह चिकन ज़रा सौते हो जाए इन सब चीज़ों में। हल्दी और गरम मसाला पाउडर है मलका फूड्स का ही। मल्टी लेयर पैक है फॉर फ्रेशनेस, बहुत अच्छे मसाले हैं, मैंने भी इस्तेमाल किए हैं। गरम मसाला पाउडर, और जो लाल मिर्चों का पाउडर धनिया पाउडर के साथ हमने प्याज के साथ पिसा था, दिस विल ऑल्सो गो इन हियर। कपकेक्स निकाल लेते हैं बिफोर मैं भूल जाऊं, स्पेशली ऊपर की जो ट्रे है उसके लिए स्कूअर। जस्ट अनदर मिनट, प्लीज़ एक और मिनट बाद याद दिलाइएगा। पिसी हुई प्याज अपना एक कलर देगा टू द ग्रेवी। अच्छी तरह मसालों में पूरी चिकन को सौते होने दीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह। मैं रिकैप कर दूं क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं इसमें। चिकन है और लौंग है, दालचीनी है, छोटी हरी इलायची है, सौंफ है, तेज़पत्ता है, ठीक है, छोटी प्याज चॉप करके एक है, एक स्लाइस करके प्याज है, इसमें हरा धनिया जाएगा और मलका फूड्स का मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर डाल चुकी हूँ। नमक हमने मलका फूड्स का रिफाइंड सॉल्ट डाला था, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमने मलका फूड्स का इस्तेमाल किया था, और एक और चीज़ रहती है कसूरी मेथी, वो भी हम डालेंगे। लेकिन इसमें अब हम पानी के साथ घोल के जो कोकोनट मिल्क है वो डालेंगे, थोड़ा सा और पानी, इसको हम पकने देंगे। फातिमा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। मुनज़्ज़ा सॉरी, हेलो मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। क्या करो, अच्छा लग रहा है पहना हुआ। क्या 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 आप लोग फरमाइशें करते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू, बहुत जबरदस्त लग रहा है। कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया। कहाँ का है ये? हाँ जी, कहाँ का है? कहाँ का है मुझे खुद भी नहीं पता, इधर उधर कहीं से लेती रहती हूँ मैं, अपने ही कपड़े में तो पहनती हूँ, जो भी अच्छा लगा पहन लिया। अच्छा अच्छा, आपके सांता दिला दे दो। जी जी, बनाना कपकेक है कौन से? रेड कपकेक है, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी कपकेक है। आवाज नहीं आ रही, क्या जी बोल रही हैं? क्या कपकेक्स के नाम बताने हैं जी? कपकेक के नाम, ब्लूबेरी कपकेक है, ठीक है, चार बता दी मैंने आपको। क्या जी, आस्क हर द नेम्स ऑफ द कपकेक्स। अच्छा, वेनिला स्ट्रॉबेरी कह रही हैं, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब चिकन में हमने क्या क्या डाला, सारे मसाले चले गए, अभी ये जब चिकन हो जाएगी कोकोनट मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, या छोटा टिन आता है वो आप डाल सकते हैं। ये जब हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी फेन्यूग्रीक
लीव्स कसूरी मेथी जो है मलका फूड्स का ये भी प्रोडक्ट है, लेमन जूस जाएगा और हरा धनिया जाएगा, दैट्स इट। सो आप भी इसी तरह इस्तेमाल करिएगा ये सब कुछ ला के। अब मुझे एक और झटपट सी रेसिपी करनी है, पंजाबी तड़का दाल। ब्रेक की तरफ चलते हैं, चिकन को पकने देंगे, ज़रा क्लीन अप कर देंगे और फिर हम दाल की रेसिपी शुरू करेंगे। मैंने आधा कप ली हुई थी मूंग की दाल, आधा कप ली हुई थी लाल मसूर की दाल और उसको मैंने रख दिया था और अब इसको हम जल्दी जल्दी पकाएंगे, ठीक है। तो चिकन के ऊपर मैं ये ढाँक देती हूँ लिड ताकि ये हो जाए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। यहाँ चिकन हमारी हो रही है, ये फ्राइड प्याज है मलका फूड्स वालों का, तो मैं इसी को इस्तेमाल करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू फ्राई अनदर प्याज, ठीक है। थोड़ा सा तेल आपने गरम कर लेना है। पंजाबी तड़का दाल हम बनाने जा रहे हैं यूजिंग द मिक्स। और आधा पैकेट हम यूज़ करेंगे इस मसाले का। पहले हम इसकी ब्राउन की हुई प्याज डालेंगे, फिर इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे, टमाटर डालेंगे, देखिए ये है मूंग और मसूर की दाल, लाल वाली मसूर की दाल है और मूंग की दाल है। आधा आधा कप या 3/4 कप लीजिएगा ईच दाल और इसको इसमें डाल के फिर इसमें हम मसाला शामिल करेंगे मलका फूड्स का। कपकेक्स हो गए हैं ठंडे करने, फ्रिज में रखे हैं, आप लोग नहीं करिएगा, बट व्हाट कैन आई डू, देयर इज नो चॉइस, ना टाइम नहीं हमारे पास। अब इसमें से हम मसाला लेंगे, there are 2 packs, ये आपने डाला और इसी में हम सॉल्ट भी डालेंगे, मलका फूड्स का ही सॉल्ट है, सॉल्ट ऐसे नहीं डाल रहे, रिफाइंड सॉल्ट है, ठीक है। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। तड़का इसका है, उसमें ये दूसरी सारी चीज़ें जाएंगी। चिकन पे भी ज़रा नज़र मारते हैं, कहाँ गई चिकन चमचा, देखें चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं चिकन में, लेमन जूस जाएगा, कसूरी मेथी है मलका फूड्स की हो जाएगी, ठीक है, हरा धनिया है और कसूरी मेथी है। साफ सुथरा कसूरी मेथी लीव्स हैं ये, ड्राई फेन्युग्रीक लीव्स, एंड लेट दिस कुक हल्की आंच पे। और दाल में भी उबाल आ जाएगा, फिर हम इसका तड़का करेंगे। लेट दिस कुक, फिलहाल घी से कर लें, तेल से कर लें, वट एवर तड़का यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। तड़के में क्या क्या चीज़ें डालेंगे, और थोड़ा सा मसाला जाएगा मलका फूड्स का, ज़ीरा है साबुत, हरी मिर्चें हैं, लाल वाली गोल बटन रेड चिलीज़ हैं सूखी वाली और कड़ी पत्ता। और अब मुझे क्या करना है, मुझे जो आइसिंग है उसको भरना है आइसिंग बैग में
और मुझे पाइप कर देना है कपकेक्स पे, थोड़ा सा और उसको टाइम मिल जाए ठंडा होने में तो अच्छा है। और हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, रेसिपी रिकैप ब्रेक अभी आएगी। अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो, तीनों रेसिपीज़ में से मलका फूड्स का जो रेसिपी मिक्स था, पंजाबी तलका दाल हम बना रहे हैं, चिकन कड़ी चिकन हम बना रहे हैं, और हम बना चुके हैं रेड वेलवेट कपकेक्स, उसको हमें डेकोरेट करना है, फ्रॉस्ट करना है। तो ये सब कुछ पिकअप करा लूँगी यहाँ से, सफाई करा लेंगे। चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन, दाल को अभी उबाल आएगा, फिर उसका तड़का आपके सामने करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है मीट मिंसर एनिक्स की तरफ से, तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे 2-3 कपकेक के रेसिपीज के नाम। मसाला एवरी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। स्टे ट्यून्ड। करीड चिकन, अच्छा चिकन 1 किलो, लौंग 4 अदद, दार चीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, तेज़पत्ते 2 अदद, सौंफ 1 चाय का चम्मच, चॉप्ड प्याज 1 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, चॉप्ड धनिया 1 गट्ठी, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, इसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, मेथी 1 खाने का चम्मच, कोकोनट मिल्क 1 कप, लींबू का रस 1 चाय का चम्मच, तेल 5 खाने के चम्मच, नमक हस्ब ज़ायका। तरकीब, पहले 2 खाने के चम्मच तेल गर्म करके एक प्याज सौते करें, फिर प्याज को धनिया पाउडर और पिसी लाल मिर्च के साथ ग्राइंड कर लें। करी बनाने के लिए 3 खाने के चम्मच तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला शामिल करें, जब वो कड़कड़ाने लगे तो प्याज शामिल करके फ्राई करें कि गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर इसमें चिकन डालकर सौते करें, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर फ्राई कर लें। अब इसमें पिसा मसाला, हल्दी, नमक और पिसा गर्म मसाला शामिल करके फ्राई करें, उसके बाद कोकोनट मिल्क डालकर पकाएं, फिर लीमू का रस शामिल करके ढकें और चिकन गलने तक पकाएं, आखिर में हरा धनिया और मेथी से गार्निश कर लें, फिर स्टीम्ड चावल के साथ सर्व करें। रेड वेलवेट कपकेक्स, अज्जा मैदा 2.5 कप, कस्टर्ड शुगर 1.5 कप, तेल 1.5 कप, बटर मिल्क 1 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, कोको पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, लाल खाने का रंग 2 औंस की बोतल, आइसिंग के अज्जा, आइसिंग शुगर 2 कप, मक्खन 1/2 कप, क्रीम चीज 8 औंस, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। तरकीब, एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके कप केक टिन में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर, मक्खन, क्रीम चीज़ और वनीला एसेंस बीट कर लें। अब इसे कप केक्स पर पाइप करके सर्व करें। पंजाबी तड़का दाल, अज्जा मूंग मसूर की दाल 1 कप, चॉप टमाटर 1 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, दरमियानी लहसुन 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्ची 3 से 4 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, तेल घी 1/2 कप, कड़ी पत्ते 9 से 10 अदद, साबित लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच, पंजाबी तड़का दाल मसाला 1/4 पैकेट। तरकीब, 2 खाने के चम्मच तेल या घी गर्म करके प्याज को 3 मिनट फ्राई करें, अब लहसुन 2 खाने के चम्मच, मसाला और 1 कप दाल शामिल करके 3 मिनट तक भुनें, फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके दाल गलने तक पकाएं। अब पैन में बाकी तेल या घी गर्म करके इसमें साबित लाल मिर्चें, सफ़ेद जीरा, कड़ी पत्ते और 1/2 खाने का चम्मच मसाला शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें, उसके बाद दाल पर तड़का लगाएं और सर्व करें। पंजाबी तड़का दाल, अज्जा मूंग मसूर की दाल 1 कप, चॉप टमाटर 1 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, दरमियानी लहसुन 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्ची 3 से 4 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, तेल घी 1/2 कप, कड़ी पत्ते 9 से 10 अदद, साबित लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच, पंजाबी तड़का दाल मसाला 1/4 पैकेट। जी वेलकम बैक। टू ऐड अ जिंग टू माय करी चिकन, मैं डिपिट का चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा डालना चाह रही हूँ अंदर, ठीक है? आप भी ट्राई करिएगा, बहुत सारे इनके अच्छे सॉसेस हैं, दराज से भी आप परचेज इनको कर सकते हैं। इसको मैं डिश में निकालती हूँ, दाल को मैं दिखा देती हूँ आपको, बिकॉज दाल को देखें मुझे क्या करना है। दाल हो गई है, तेल मैंने गरम किया है फॉर द तड़का, लाल मसूर तो बहुत जल्दी हो जाती है, मूंग मुझे ऐसे ही खड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है। कपकेक्स दिखाइएगा प्लीज़, कपकेक्स आर डन, दे आर आइस्ड,
अब आप सोचेंगे कैसे आइस करना है, तो एक आध आपको करके दिखा देते हैं. ये देखें, ये आपने पाइपिंग बैग में भरा, ये इस तरह, ठीक है, उठाया ऐसे हाथ, और रेड स्प्रिंकल्स ऑन देम, या एक ही कप के क्रश करके डाल दीजिएगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा. नाउ मलका फूड्स का जो मैंने पैकेट खोला था दाल, पंजाबी तड़का दाल का, उसी में हम थोड़ा सा और मसाला डालेंगे तड़के में भी. उसमें हम साबुत ज़ीरा डालेंगे, कड़ी पत्ते जाएंगे, बटन रेड चिलीज जाएंगी, ठीक है. एंड इसको आप मसाले को अच्छी तरह भून लीजिए. चाखी हुई हरी मिर्चें हैं, एंड फिर इसको मैं उसके ऊपर पॉ कर दूंगी. मीनवाइल मैं चिकन को ज़रा निकाल दूँ, देयर इज बहुत सारा काम टुडे. सर्व करते वक्त तेज पत्ता हटा दीजिएगा. कड़ी चिकन हो गया. अब ये दाल में तड़का आपने शामिल कर देना है. पंजाबी तड़का दाल है ये, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी रेडी यूजिंग मलका फूड्स का रेसिपी मिक्स. द विनर इज़ यास्मीन सक्खर से. मुबारक हो जी आपको, और आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुँचा दी जाएगी. थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जो फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, SMS करते हैं, हमें याद करते हैं. और ब्राउन प्याज है ना यहाँ, हल्का फूड्स की थोड़ी सी ब्राउन प्याज ऊपर से डाल देते हैं. ठीक है जी, ये हो गया, एवरीथिंग इज़ डन टुडे फाइनली. सारा काम था आज हमारे पास. कपकेक्स भी रेडी हैं, रेड वेलवेट कपकेक्स, पंजाबी तड़का दाल मलका फूड्स की, और ये करी चिकन. इसमें हमने थोड़ा सा जिंग ऐड करने के लिए डिपिट का सॉस डाला था. सो आई होप आपने ये रेसिपीज़ नोट की हैं, शो एंजॉय किया है. मुझे अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.